विकास करने के शानदार डॉक्टर जितेंद्र जामदार। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के नामांकन के अवसर पर एक रैली को संबोधित करते हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर पहुंचने में देरी होने की वजह से नामांकन के समय वो मौजूद नहीं हो सके थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डुमरा एयरपोर्ट से सीधे सिविक सेंटर पहुंचे, जहां बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के मंच पे ही डॉक्टर जितेंद्र जामदार सहित बीजेपी के पार्षद पद के सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और जबलपुर के मतदाताओं से अपील की। उन्होंने मंच से ही पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में नारा दिया, काम करेंगे शानदार डॉक्टर जितेंद्र जामदार, मेयर होंगे शानदार डॉक्टर जितेंद्र जामदार। वहीं कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं कांग्रेस का मेयर आ गया तो भगवान जाने जबलपुर का क्या होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस के भ्रम में नहीं फंसना है, कांग्रेस के बिछाए हुए जाल में ना फंसे, जबलपुर के विकास के लिए बीजेपी के मेयर और पार्षदों को जिताएं। अनेक बच्चों की पढ़ाई संबल के अंतर्गत और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत भी जबलपुर के भांजे भांजियों और मेरी लाडली बच्ची बेटिया 1 लाख से ज्यादा है जबलपुर, इनकी पढ़ाई साफ सुन रहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, IIT आचार्य में एडमिशन हो और फीस चाहे 8 लाख 10 लाख रुपया साल भी हो तो उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? क्या किया कांग्रेस को कोई बताया तो? इन्हें कुछ नहीं किया, हमने जबलपुर से गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया। जितने बदमाश और बेईमान थे जो जबलपुर की जनता का खून चूसते थे, अतिक्रमण करते थे, कब्जे करते थे, लोगों को डराते थे, बुलडोजर चला के उनको भी हमने ढेर कर दिया। जबलपुर के विकास के लिए, यहाँ की जनता के कल्याण के लिए, विकास की दृष्टि से जबलपुर आज एक आपकी पोजीशन में है, लंबी उड़ान भरने को तैयार है जबलपुर, और जबलपुर विकास की लंबी उड़ान भरे इसके लिए आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की पतंग दबाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए, डॉक्टर जितेंद्र जामदार को अपना मेयर बनाए, पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी को जिताए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस कहती थी हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि मामा कहता है कि हमारे पास कमी ही नहीं है, जिसके अंदर काम करने की तड़प होगी तो सुनिए कमलनाथ जी, जहां चाह निकलती है वहीं पर राह को निकलना ही पड़ता है, शहर के विकास की राह बीजेपी से ही निकलेगी। कमलनाथ हमेशा ये कहते थे जब कांग्रेस की सरकार आई केवल मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मैंने कहा मैं हमारे में ये था जब उसका खजाना खाली कर दिया, लूटा कौन ने 15 महीने आपने देखा है, देखा कि नहीं देखा? जब कांग्रेस की सरकार थी सिवाय लूट के कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जबलपुर को कस्बे से महानगर हमने बनाया है, लेकिन हिंदुस्तान के अग्र 5 के शहरों में जबलपुर को ले जाके हम खड़ा कर देंगे। देखिए वो कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है, और मामा कहता है हमारे पास कमी ही नहीं है। जबलपुर के विकास को किसी की नजर ध्यान रखी जा रही है, कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने में मास्टर है, मास्टर पता नहीं कौन कौन से भ्रम फैला रहे, बड़े माया भी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, देखो अब जबलपुर क्लीन सिटी बनेगी, जबलपुर ग्रीन सिटी जबलपुर, हाईटेक सिटी जबलपुर, IT सिटी जबलपुर, टेक्नो पार्क यहां पे है, स्टार्टअप सिटी जबलपुर, और अब इंडस्ट्रियल सिटी जबलपुर, एजुकेशन हब जबलपुर, मेडिकल हब जबलपुर, एक जबलपुर के विकास का खाका हमारे पास
जिसके हम तेजी से काम कर रहे हैं, या आईटी पार्क, या जियो पार्क, या रीजनल साइंस सेंटर, सबसे बड़ा फ्लाईओवर लगभग 900 करोड़ का, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड। लेकिन याद रखना, ये काम ठीक से तब हो पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और सांसद होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि भाजपा के मेयर और प्रत्याशी नहीं जीते तो कांग्रेस जबलपुर में चल रहे सारे प्रोजेक्ट्स को रोक देगी, जिससे शहर का विकास प्रभावित होगा। विकास के लिए बीजेपी मेयर डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सहित सभी वार्डों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताएं और अपने शहर के विकास को गति दें। जबलपुर में महापौर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जामदार का मुख्य मुकाबला कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार जगत बहादुर सिंह अन्नू से होगा। दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की डॉक्टर जगत सिंह को जिताने की अपील अब कितना असर दिखाती है, ये तो आने वाली 17 जुलाई को ही पता चल सकेगा।